हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रेवलेशन का टीजर देखा मैंने। इट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब, फैंटास्टिक एंड हैज मेड मी नॉस्टैल्जिक। यार लेट मी टेल यू, व्हाइल ग्रोइंग अप, जब मैं स्कूल में था, हीमैन यूज्ड टू बी माय फेवरेट कार्टून। यार मुझे अभी भी याद है, डीडी मेट्रो में वो टाइम पे आया करता था हीमैन। आई थिंक फ्राइडे को 6 बजे को, शाम को 6 बजे को लगता था हीमैन। आधा घंटे का शो होता था, मैं सबको छोड़ छाड़ के हीमैन देखने बैठता था और सुपर एंटरटेनमेंट मिलता था वो आधे घंटे के लिए। द स्टोरी लाइन, द कैरेक्टर्स, एवरीथिंग, द एनिमेशन, एवरीथिंग वॉज सो फैंटास्टिक टू वॉच देन। और इतने साल बाद हीमैन को वापस स्क्रीन पर देखना, वो सारे कैरेक्टर्स को वापस स्क्रीन पर देखना, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग दिया यार मेरे मन में। मजा आ गया दोस्तों सीइंग ऑल दोस कैरेक्टर्स, चाहे वो हीमैन हो, मैन एट आर्म्स हो, स्केलेटोर हो, टीला हो, सॉर्सरस हो, या फिर बैटल कैट हो। इट वॉज फैंटेस्टिक सीइंग देम। एंड लेट मी टेल यू, द म्यूजिक दैट प्लेज आउट इन दिस टीजर, रेसी एंड पेसी, रियली सेट्स द टोन राइट। मजा आ गया वो सुनकर। And feels like this is going to be absolutely exciting. Masters of the Universe Revelation, ये actually sequel है of the original series. और इसमें जो final battle होगा, final showdown होगा between He-Man and Skeletor, वो हमें देखने मिलेगा. And it is also a story about Teela, you know, who after the destruction of Eternia is seeking out that magic sword to prevent the end of universe. तो ये सब storyline है, let's see how that plays out. But I'm sure it will be absolutely fantastic to watch. और एक चीज बता दो, अभी जो characters है ना, चाहे वो He-Man हो या दूसरे लोगों, खासकर हीमैन, उनका अपीयरेंस थोड़ा चेंज हो गया लगता है। आप ओरिजिनल से कंपेयर करना, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इस बार का हीमैन। वो ऐसा लग रहा है हीमैन 2.0 वर्जन है, बाकी के कैरेक्टर्स भी 2.0 वर्जन में लग रहा है। बट शुड बी अ फैंटास्टिक वॉच विद दैट वंडरफुल म्यूजिक एंड दैट स्टोरी लाइन। आई थिंक नॉस्टैल्जिया विल बी बैक अगेन। इट विल बी अ सुपर फीलिंग वॉचिंग माई फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हीमैन once again on screen. Looking forward to this series. I think July mein release ho raha hai, date 23rd if I'm not wrong. But anyways, teaser ko main dunga 4 stars. I really loved it. Let me know what is your take about this teaser. For the moment, ta-ta.